दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुधा डेयरी दूध, यानी आप एक रिटेलरशिप सुधा का कैसे ले सकते हैं, सुधा दूध का रिटेलरशिप कैसे ले सकते हैं, आज उसके बारे में बताएंगे। और बहुत सारे लोग को ये भी बात बताना चाहते हैं जो अदर स्टेट से हैं, उनके यहाँ अलग अलग कंपनी के दूध बिकते हो, अलग गवर्नमेंट होगी वहाँ पर, तो अलग कंपनी के दूध मिलते होंगे। फ़िलहाल अगर आप बिहार में रहते हो तो बिहार में सुधा का दूध मिलता है जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज होता है, और वो पब्लिक ज़्यादा लोग लेती है। अमूल से ज़्यादा लोग सुधा का दूध लेना पसंद करती है बिहार में। उसी तरह हर स्टेट का अलग अलग एक सुधा के जैसे ब्रांड कंपनी होती है जो अलग अलग नाम से होती है। जैसे यूपी में जाएंगे तो यूपी में अलग ब्रांड होगी, और आप मुंबई में जाएँ तो मुंबई में अलग ब्रांड होगी। जो वहाँ का स्टेट होगा, वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, वहाँ उसके ऑथराइजेशन से वो कंपनी वहाँ पर चलती है दूध का। तो उसी तरह बिहार में सुधा का डेयरी का दूध चलता है जो रिटेलर्स के थ्रू आपके घर पे या आप दुकान पे जाके लेते हैं। तो आज उसी के बारे में बात बताएंगे कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आप सुधा डेयरी का दूध कैसे ले सकते हैं, पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने कई बार सर्च किया तो मुझे कहीं ऐसी जानकारी क्लियर नहीं मिली कि मुझे सही चीज़ पता चल सके कि भाई ये इसका प्रोसेस क्या है, इसका सिस्टम क्या है, इसका रूल्स क्या है। भैया, रूल तो बहुत सिंपल था लेकिन कहीं से कोई भी जगह डिटेल नहीं पता चल पाई कि कैसे मिलेगी। ये मैं सिर्फ बिहार के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर स्टेट में अगर आप लोग रह रहे हो तो उन सभी के लिए भी ये चीज़ जानना जरूरी है कि प्रोसेस जो है वो सेम होता है, खाली तरीका अलग होता है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बिजनेस प्रोसेस के बारे में भी हम बहुत कुछ बताते रहते हैं, टेक के विषय में भी बहुत कुछ बताते रहते हैं। तो हमारे चैनल जो है वो आर आर कम्युनिकेशन के नाम से, तो इसमें कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन में हर तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से आप इसे ले सकते हैं और इसमें कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना क्या क्या, सारा डिटेल बताएंगे। लेट्स गो, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बताएंगे कि आप अगर एक बिज़नेस करना चाहते हैं और मार्केट में, तो मार्केट में बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपको ज़मीन तैयार करना पड़ता है। ज़मीन तैयार करने के लिए आप किसी भी तरह का बिज़नेस कर सकते हैं सुधा डेयरी के साथ साथ। सुधा डेयरी का दूध का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन आपको वो जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कभी दे जाता है। बहुत सारी दुकान में आप देखेंगे दूध मिलता है तो लोग बहुत लोग सोचते हैं, पब्लिक भी सोचती है कि भाई 1 रुपये 40 पैसा एक दूध पे, अगर आप एक दूध बेचेंगे तो 1 लीटर पे आपको 1 रुपये 40 पैसा मिलता है। मगर अगर आप डेली का 500 दूध बेच देते हैं तो आपको अच्छी प्रॉफिट हो सकती है। और ऐसे भी दूध का खपत बहुत ही ज़्यादा होता है मार्केट में, लोग घर पर पहुँचाते हैं तो घर पहुँचाने का डिलीवरी का चार्ज 2 रुपये लेते हैं अलग से। अगर आप वो 2 रुपये भी कम कर दें तो आपका मार्जिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। और साथ ही साथ दूध के साथ आप और भी आइटम रखते हैं, दूध का भी बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, वो भी अगर आप रखते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही किराना का अगर कोई भी सामान ऐड कर देते तो और भी प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ बहुत कुछ आइटम आप रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम दूध के बारे में बता रहे हैं कि आप रिटेलरशिप कैसे ले सकते हैं। रिटेलरशिप लेने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा दुकान खोलना होगा जिसमें छोटे मोटे सामान आपको किराने के रखने होंगे। अगर आप रख लेते हैं तो बेहतर है, नहीं रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिटेलरशिप लेना बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मार्केट में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करिएगा तभी आप सक्सेस हो पाएगा। सुधा डेयरी का दूध जो होता है वो आपको रिटेलरशिप तभी मिलता है जब आपके दूध में 40 लीटर का खपत हो या 30 लीटर का खपत हो, तब जाके आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। मान लीजिए आपने दुकान खोला और सीधा आपने रिटेलरशिप के पास गए और आपने रिटेलरशिप ले भी लिया तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि आपका दूध जो है ताज़ा दूध लोग लेते हैं, और अगर उसका सेल नहीं रहा तो आप उसमें देखिएगा एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, अगर एक्सपायरी डेट रहा तो आपका कस्टमर भी ख़राब हो जाएगा। ऐसे में अगर आप कहीं दूसरे दुकान से या जो भी आपके अगल बगल दुकान है उससे कुछ भी परसेंट से, यानी 40% भी अगर आपको दे देता है तो 40% लेके आप दूध बेचना स्टार्ट कर दें। अगर आपको रेट का रेट मिल रहा है तो रेट का रेट लेके बेचना स्टार्ट कर दीजिए, और उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं किराने के, वो भी रख दीजिए ताकि आपका इनकम का एक स्रोत बना रहे। क्योंकि दूध लेने आएंगे तो ब्रेड लेंगे, बिस्कुट लेंगे, बहुत तरह के आइटम होते हैं जो आपसे लिया करेंगे। अब आपको करना क्या है
क्योंकि डेट अगर आप रिटेलर से लेते हैं तो उसमें क्या है कि रिटेलर से आपको जल्दी मिलता नहीं है। इसमें मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगल बगल की जो भी आपका सुधा दूध या डेयरी का दुकान खुला हुआ है वो कभी बंदा नहीं चाहेगा कि आप दूध बेचिए। ये सभी जगह के नियम, ये सभी जगह ये रूल है, और सब लोग चाहेंगे कि आपका दूध नहीं बिके और आपको बेचने से रोक दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि आप दूध पहले रखिए और बेचना स्टार्ट कीजिए। बेचते बेचते 2-3 महीना या 1 महीना कोशिश करते रहिए, उसके बाद आप रिटेलर के पास जाए। रिटेलर के पास जाने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपका जब तक सेल्स मैन, जो सेल्स मार्केट होता है, वो आपके यहाँ विजिट करता है, विजिट करने के बाद आपसे सारा डिटेल पूछेगा कि आपका क्या सेल है, क्या प्रॉफिट है, क्या इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारा चीज़ आपको देखेगा। अगर उस अनुसार आप फिट बैठते हैं तब आपको रिटेलरशिप देगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि आप पहले से अगर दूध रखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका दूध का सेल बढ़ जाता है, जिसमें आपका सेल्स मैन, सेल्स मार्केट वाला कोई भी बंदा आएगा तो सबसे पहले आपका सेल देखेगा। अगर सेल आपका 40 से ऊपर ऊपर है तो वो बंदा पूछेगा, भाई आप दूध लेते कहाँ से, तो हम अगल बगल से दूध लेके यहाँ बेचते हैं, तो उसको भी लगेगा कि ये आदमी मेहनत कर रहा है। तो ऐसे में आपको रिटेलरशिप जल्दी मिल जाता है। और अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो ऐसे में बहुत सारे कंप्लेन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि इसमें कुछ नियम है कि 200 मीटर के अंदर में अगर आपका दूध का दुकान है तो आप ले सकते हैं, और 200 मीटर के अंदर दायरे में अगर आप आते हैं किसी दूध के, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ दूध बेच रहा हूँ और मेरे बगल में भी दूध बेचने के लिए कोई चाहेगा, तो वैसे में हम उस पर कंप्लेन कर सकते हैं और उसे दूध नहीं मिलेगा। इसलिए 200 दायरे का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा बात, लेने के लिए अगल बगल भी ले सकते हैं, मगर अगर आप मैनेज कर सकते हैं एक दूसरे में तब कंप्रोमाइज़ अगर आप कर पाएँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर आप सक्सेस ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मिला के आपको करना पड़ेगा। रिटेलर लेने के लिए बहुत सारे लोग पहले आपका अगल बगल सुधा वाले बोलेंगे, भाई 2,000 लगेगा, 2,500 लगेगा, सेल्स मार्केट भी आएगा, बोलेगा कि भाई इतना पैसा लगेगा, उसको खिलाइए पिलाइए। तो ऐसा बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा कि इतना पैसा लगेगा वो लगेगा, कुछ भी नहीं लगता। खाली 300 रुपये आपको आपको रिटेलरशिप लेने में लगता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप या रिटेलर का शिप लेना चाहते थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप थोड़ा महंगा पड़ जाता है, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसमें भी प्रोसेस है, पहले रिटेलरशिप लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में आपको जाना है तो कमेंट करके बताना, उसके बारे में बता देंगे। रिटेलरशिप लेने के लिए आपको मेन ब्रांच पहले जाना पड़ेगा, जो आपके पूरे बिहार में, जैसे कि मैं अभी बिहार में रहता हूँ, तो बिहार में आपको पटना में इसका सुधा डेयरी का मेन सेंटर है, जहाँ पे मेन ऑफिस है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप पटना में अगर रह रहे हैं तो वहाँ जाके विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पहले आपसे डिटेल पूछ के आपकी पूरी डॉक्यूमेंट की डिटेल जांच कर लेगा। उसके बाद आपके पास आपको कुछ भी नहीं लेगा आपसे, आपको बोलेगा कि ये फॉर्म लीजिए, इस फॉर्म को फिलअप करके आप अपने सेल्स मार्केट को दे दीजिए। उसके बाद आपके यहाँ सेल्स मार्केट आपके दुकान पर विजिट करेगा, विजिट करने के बाद आपसे जो फॉर्म वो देगा, जो मेन ऑफिस में जाके आपको मिला डॉक्यूमेंट, उसमें आपको फिलअप करके उस सेल्स मार्केट को देना है। और जब वो वेरिफिकेशन कर लेता है सेल्स मार्केट कि आप बिल्कुल सही हैं और आपका सेल होना चाहिए, क्योंकि सेल्स मार्केट को आपको भरोसा देना हो, क्योंकि वो हमेशा मार्केट में घूमता रहता है। और इसी चीज़ पर मैं बार बार आपको जोर देना चाह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आप दूध बेचना स्टार्ट सबसे पहले कीजिएगा, रिटेलर से पहले, तब जाके आपका इसका बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि मैंने भी जब इस चीज़ को पूरी तरह से समझा और यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया, गूगल पे भी बहुत सर्च किया, तो इस तरह की जानकारी मुझे कहीं नहीं मिली जो सही हो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसे समझा रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको बेनिफिट करेगा, दूध बेचना ख़राब नहीं, इसे बहुत प्रॉफिट है दोस्तों। तो उसके लिए आपको जब सेल्स मार्केट जब आपके पास आएगा उसको फॉर्म फिलअप करके देना है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपके एरिया ऑफिस में जो हेड ब्रांच होगा वहाँ जाके जमा करेगा। जमा करने के बाद आपको वहाँ से एक कोड मिलेगा, जिस कोड को आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास वहाँ जाके उस कोड को बताना है। जब वो कोड बताएगा तो सुधा डेयरी का जो भी आइटम होगा, दही हो, पेड़ा हो, मक्खन हो, जो भी आइटम होगा, कहने का मतलब इतने सारे आइटम होते हैं उनके कि मैं आपको पूरा डिटेल बता नहीं पाऊँगा, तो जो भी आइटम होगा वो कोड के जरिए होगा। जब आपको कोड मिल जाता है तो आप अपने कोड के जरिए दूध वहाँ से ले पाएंगे उस डिस्ट्रीब्यूटर से।
इसका डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अलग अलग जगह पे होते हैं। आप किस टाइम दूध लेना चाहते हैं वो भी इसमें होना चाहिए, 4 बजे या शाम के 5 बजे, जिस टाइम दूध लेंगे उस टाइम का आपको ऑर्डर वहाँ देना पड़ता है। अब तो बात रही कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाता है, सॉरी रिटेलर से मिल जाता है, उसके बाद प्रोसेस क्या है। अगर सेल्स मार्केट अगर आपको बोलता है कि आपको नहीं मिलेगा, तो आप दोबारा से जाके अपने हेड ब्रांच से पता कर सकते हैं और वहाँ के हेड जो होंगे उनसे विजिट करके आप अपना रिटेलरशिप खुलवा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। खुल जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक डायरी मिलेगा कॉपी जैसा, जिसमें आपको अलग अलग दूध के कितने प्राइस है, सॉरी कितना क्वांटिटी आपको लेना है, यानी कितने दूध, 1 लीटर कौन सा दूध चाहिए, 1-2 लीटर कौन सा दूध चाहिए, उसका अलग अलग ब्रांड होते हैं, अलग अलग, जैसे आपका गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है, तो उससे अलग अलग दूध के नाम्स होते हैं, उसमें आपको क्वांटिटी डालना है। उसके बाद जब क्वांटिटी डाल देंगे तो आपके पास एक बंदा आएगा और उसको पेमेंट करना है उसने जितने दूध आपने ऑर्डर दिए, यानी अगर 40 लीटर का दूध का आप ऑर्डर देते हैं तो 40 लीटर का दूध का पेमेंट उसको करना है। वो आपको 12 बजे के आ जा 12 बजे तक आ जाता है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद वो आपको ऑर्डर जो है वो आपको अगले दिन सुबह में वो उसको ऑफिस जमा कर देगा, और जैसे जमा करेगा तो वो आपको सुबह के 4 बजे या 5 बजे जो भी आपका एरिया का टाइम होगा आने का दूध गिराने का, तो उस टाइम आपके उतना क्वांटिटी के अनुसार दूध गिरा जाएगा और आपको दूध मिल जाएगा। इसका पेमेंट करने का टाइम 12 बजे के आसपास है। जो आपके पास बंदा आएगा उसको आपको पैसा जमा करना है और वो ऑर्डर देके आपके यहाँ दूध गिरा देता है। तो ये प्रोसेस है। अब बात रही कि अगर आपका सेल ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में आप कैसे उस चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे, दूध कैसे बेच पाएंगे, यानी मान लीजिए सुबह भी लिया आप शाम को भी लेना, तो शाम का क्या रूल है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, शाम का कोई और देता हो तो आपको उससे संपर्क करके उसको ऑर्डर देना पड़ेगा अलग से, तब फिर आपको शाम को भी दूध गिरेगा। तो ये प्रोसेस है सुधा डेयरी का। ये सुधा का डेयरी का मैं सिर्फ डेयरी का ही नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बिहार के अंदर का नहीं बता रहा हूँ, मैं अदर स्टेट में भी जो भी लोग रहते हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस है। और रिटेलरशिप में आपको सिर्फ 300 रुपये मात्र लगते हैं, 300 रुपये में आपको रिटेलरशिप मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि आप सुधा डेयरी का रिटेलरशिप कैसे ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बिजनेस के ऐसे ऐसे छोटे मोटे तरीके भी मैं आपको ले के आता हूँ और बताता हूँ, और बहुत ही जल्दी ऐसे ऐसे बिजनेस ट्रिक भी आपको ला के मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो बिजनेस के बारे में और भी अच्छी अच्छी आएगी और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेश्चन जवाब आपको अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। इस फॉरम का लिंक जो भी है, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप का रिटेलरशिप का फॉरम है, उस फॉरम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इंस्टॉल भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।